अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। माय नेम इज़ हिरम अतपट एंड यू आर लिसनिंग मी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्नर्स अकेडमी बाय पी अप्रोच। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी हिस्ट्री एंड सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी, कोर्स कोड 502, लेसन 37, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी हमारी साइकोलॉजी की ब्रांच है जिसको डिवेल्प किया गया था बिहेवियरिज्म को के लिए, बिहेवियर्स को जांचने के लिए या बिहेवियर्स को नोटिफाई करने के लिए। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट जो थे उनका मानना ये था कि बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है इंसान के डेवलपमेंट में, उसके नीड्स में, उसकी किसी भी इम्पॉर्टेंट फील्ड में। अगर हम बिहेवियर को इग्नोर करते हैं तो वो इंसान कम्प्लीट नहीं होता, अगर हम बिहेवियर पर फोकस नहीं करते। फर्दर इन सिंपल वर्ड्स अगर इस बात को इस तरह से कहा जाए कि ह्यूमंस और इमोशंस एलिमेंट्स जो हैं किसी भी इंसान के अंदर, उनको इग्नोर किया गया और जो अपेरेंट बिहेवियर है, पैटर्न्स हैं, उनको स्टडी किया गया कि इंसान सामने बज़ाहिर क्या नज़र आ रहा है उस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है और किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया गया। उनका फर्दर मानना था कि जो साइको एनालिस्टिक अप्रोच थी उसमें अनकॉन्शियस मोटिवेशंस को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, उन पर एम्फसाइज था, लेकिन ह्यूमनिटी को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया गया। किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है वो जॉय होता है, वो काइंडनेस होता है, उन चीज़ों को हमने इग्नोर किया और अनकॉन्शियस मोटिवेशंस को बहुत ज़्यादा फोकस किया। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के फाउंडर कह लें, जिनको बहुत ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है, वो इब्राहिम मैस्लो हैं। मैस्लो बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की वजह से, जिसको हम हायरार्की ऑफ नीड्स भी कहते हैं। उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो हायरार्की ऑफ नीड्स, ह्यूमन नीड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा था। मैस्लो का मानना ये था कि इंसान की जितनी नीड्स हैं, जितनी ज़रूरियात हैं, वो एक हायरार्की के थ्रू हमें भर दी गई हैं। अगर हम एक को कंप्लीट करते हैं, अगर हम फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करते हैं तो ही हम सेकंड स्टेप पे जा सकते हैं। अगर हमारा फर्स्ट स्टेप ही कंप्लीट नहीं होगा तो हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव ऑन नहीं कर सकते। हमारा जो पहला स्टेप, उसने हमें कहा कि जो हायरार्की में पहला स्टेप है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेप है किसी भी इंसान की बेस के लिए। अगर वो पहला स्टेप अचीव नहीं करता, वो फिफ्थ स्टेप पर चला जाता है, तो वह सबसे वीक ह्यूमन कंसिडर किया जाएगा। फर्दर उसने कहा कि जो लोअर बेसिक नीड्स हैं हायरार्की में, वो हमारे सिमिलर हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे नॉन ह्यूमन एनिमल्स में होती हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ह्यूमन फर्दर इस चीज़ को प्रोसीड करता है और एक हाईली नीड्स तो तक को वो अचीव करने की कोशिश करता है। एनिमल्स या बर्ड्स और बाकी भी जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो अपने बेसिक नीड्स की तरफ ही सिर्फ उनका ध्यान होता है। जो फर्स्ट नीड उसने बताई थी वो थी फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब इसमें बॉटम में क्या होता है कि हमारे बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, जिसमें फूड, वाटर, एयर एंड स्लीप हमारी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पीने के लिए हमें पानी चाहिए, सांस लेने के लिए हमें हवा चाहिए, हमें नींद आती है, हमने सोना है, और खाने के लिए हमें कुछ भी चीज़ चाहिए। अब इसमें क्या चीज़ आ जाती है कि अगर इंसान के पास घर नहीं है तब भी वो सर्वाइव कर सकता है। बहुत से लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, वो शेल्टर होम्स में रहते हैं, वो अक्सर फुटपाथ रोड के ऊपर, जो फुटपाथ हैं उनके ऊपर उनको देखा जा सकता है कि वो सो होते हैं, या जो रोड्स के ऊपर शेल्टर्स बने होते हैं, वेटिंग शेल्टर्स होते हैं, उनमें अक्सर वो रात को सो रहे होते हैं। तो घर हमारी सेकंड प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी हमारी फूड, स्लीप, वाटर एंड एयर है। सेकंड में आ जाता है हमारी सेफ्टी नीड्स। अगर तो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं तो हम सेकेंड लेवल की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब सेकेंड लेवल की तरफ हमारी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, अब इसमें हमें चाहिए होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए होती है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमें किस सूरत में मिलती है, जब हमारे पास एक घर होगा तब हम उस घर में सेफली रह सकते हैं, हमें पता है हमारे घर के अंदर कोई नहीं आ सकता, अल्लाह ना करे कभी कोई बुरा वक्त आए तो कुछ हमारे साथ हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमें पता है कि हमारे घर में हमारी इजाज़त के बगैर कोई नहीं आ सकता। ये हमारी सेफ्टी भी है और हमारी सिक्योरिटी भी है।
थर्ड लेवल पे आ जाता है नीड फॉर बिलोंगिंगनेस। अब इसमें क्या आता है कि हर इंसान को जब उसकी फर्स्ट टू नीड्स पूरी हो जाती हैं तो वो थर्ड नीड की तरफ मूव करता है जो नीड ऑफ लव है उसकी। हर इंसान को ज़रूरत होती है दोस्त की, अपने फैमिली रिलेशंस की, अपने पार्टनर की, जिसके साथ वो अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, जिसके साथ वो अपना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें। नेक्स्ट लेवल जब हम इन तीनों लेवल से कम्पीट कर जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट लेवल आता है इस्टीम नीड्स। अब इसमें क्या आता है कि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी हमें उसी तरह से वैल्यू दें जिस तरह से हम किसी को वैल्यू दे रहे हैं। अब अगर तो सामने वाला हमें उसमें उसी तरह से वैल्यू दे रहा है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाता है, हमारा डिफरेंट लेवल्स हमारी ज़िंदगी के बिल्डअप हो जाते हैं, हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ अबिलिटीज़ हमारी डेवलप हो जाती है, हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या जो हमारे डर होते हैं, खौफ होते हैं, वो हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं। अब इसमें हमारे जॉब्स आ जाती हैं, हम चाहते हैं हम अच्छी जॉब्स ले लें, एक हम सेल्फ़ इस्टीम हमारी बहुत अच्छी हो जाए, इसमें हम सेटिस्फाई होना चाहते हैं। और अगर हम सेटिस्फाई नहीं होंगे तो हमारी इस्टीम नीड पूरी नहीं होगी, और जब ये नीड हमारी पूरी नहीं होगी तो वो फिर वही बात कि हम कॉन्फ्लिक्ट्स में चले जाएंगे, हम इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब ये एपिक्स है ओरिजिनल पैरामिड का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इंसान को इस इंसान कोई भी चीज़ रेफर की जाती है इसमें नीड ऑफ अचीविंग वंस ट्रू पोटेंशियल, कि एक इंसान की असल पोटेंशियल है क्या, जब उसने बाकी चारों चीज़ें अचीव कर ली तो एक इंसान की असल पोटेंशियल क्या है, वो किस तरह से क्या क्या काम कर सकता है। अब कहा यह जाता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की लेवल तक सिर्फ जो लीडर्स हैं, कायदे आज़म वो वहाँ तक पहुँचे थे, महात्मा गांधी उनके बारे में कहा जाता है कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड है अपना वहाँ पे चल उस पॉइंट पे चल के इंसान को ये पता चलता है कि क्या क्या पोटेंशियल लेवल उसमें है और वो कौन कौन से पोटेंशियल लेवल के ज़रिए क्या कुछ अचीव कर सकता है। इन लेवल पे सिर्फ इन्हीं दो का नाम लिया जाता है कि ये दो पहुँचे थे। फर्दर इसका मेज़लो का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ, फर्दर हम पढ़ेंगे कॉल रॉजर्स को, ये भी अदर प्रोमिनेंट ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने PhD की थी एजुकेशनल साइकोलॉजी में, उन्होंने अपनी फर्स्ट बुक लिखी थी 1942 में जिसका टाइटल था काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। उसके बाद जब उन्होंने अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश की थी उसके बाद उनको इनवाइट किया गया था 1945 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में कि वो वहाँ पे आके अपना सेटअप करें काउंसलिंग सेंटर का, और वहाँ पे उन्होंने सेटअप किया और वहाँ पे काम करने के बाद उन्होंने 1951 में उनका जो मेजर वर्क है वो उन्होंने पब्लिश किया जिसमें उन्होंने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का जिक्र किया गया था, जिसमें उसने अपनी बेसिक थ्योरी को आउटलाइन दी थी। 1961 में उन्होंने एक और बुक लिखी थी ऑन बिकमिंग अ पर्सन, उसमें उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को ग्रेटेस्ट ड्राइव कहा था कि किसी भी ह्यूमन पर्सनैलिटी की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ग्रेटेस्ट ड्राइव होती है। फर्दर उन्होंने हाईएस्ट लेवल ऑफ मेंटल लेवल भी इसको कहा था। फर्दर उन्होंने कहा कि कोई भी साइकोलॉजिकल हेल्दी पर्सन होगा वो एक्सपीरियंस को हर वक्त ओपनली उनको एक्सपीरियंस को करना चाहता है, कुछ भी एक्सपीरियंस होगा तो वो ओपनली उसको एक्सेप्ट करेगा, फुली लिव्ड द मूवमेंट, वो कोई भी मूवमेंट होगा। अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर्स अ साइकोलॉजिकल हेल्दी पर्सन हैज ओपनेस टू एक्सपीरियंस, फुली लिव्ड द मूवमेंट, हैज़ अ सेंस ऑफ फ्रीडम एंड इज हाईली क्रिएटिव। कोई भी हेल्दी पर्सन जो होगा, मेंटली हेल्दी पर्सन, साइकोलॉजिकल हेल्दी पर्सन होगा, वो एक्सपीरियंसिस को एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा तैयार होगा, न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए वो हमेशा तैयार होगा। जब आप कुछ भी एक्सप्लोर करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस होता है, वो उसके लिए हमेशा तैयार रहता है। कोई भी मूवमेंट होगा वो उसको जीने के लिए तैयार होता है, बेशक वो अच्छा मूवमेंट है, बेशक वो बुरा मूवमेंट है, उसको फुली पोटेंशियल से, अपने फुली ग्रिप से वो जीने के लिए उसको तैयार होता है। उसमें सेंस ऑफ फ्रीडम बहुत ज़्यादा होती है, वो ख़ुद भी आज़ाद रहना पसंद करता है और दूसरों को भी आज़ाद देखना ही पसंद करता है। वो हाईली क्रिएटिव होता है, वो नए नए आइडियाज़ को क्रिएट कर लेता है। इस सब के अलावा उसने साइकोथेरेपी का एक सिस्टम डेवलप किया था जिसको उसने थ्योरी ऑफ क्राइम सेंटर थेरेपी कहा था।
इसके अकॉर्डिंगली उसने कहा था कि कोई भी इंसान, किसी भी इंसान में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपनी प्रॉब्लम से खुद जान छुड़वा सकते हैं। इसके मेथड में क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के मेथड्स में जो इंक्लूड है वो रिफ्लेक्शन इन इफेक्टिव टर्म्स है कि इंसान की ज़िंदगी का जो रिफ्लेक्ट वो कर रहा होता है वो किसी ना किसी टर्म्स की कंडीशन में वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसका जो एक्सप्लोजर टाइम पीरियड होता है या उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे होते हैं किसी ना किसी टर्म की सूरत में। फर्दर हम पढ़ेंगे पॉजिटिव साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने एक और सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको पॉजिटिव साइकोलॉजी का उन्होंने नाम दिया था। पॉजिटिव साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस। अगर हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को देखें तो उसमें ज़्यादातर मेंटल इलनेस के बारे में बात की गई है, मेंटल वेलनेस के बारे में बात नहीं की गई। जो रिसर्चेस भी की गई हैं वो इसी चीज़ पे की गई हैं कि लोग किस तरह से गलत हैं, किस तरह से वो सही हैं, इन चीज़ों के बारे में बात नहीं की गई। इस बायसनेस को करेक्ट करने की हमेशा से ज़रूरत थी। इसके बारे में विलियम जेम्स ने काम किया था। उन्होंने 1902 में अपनी बुक में लिखा था कि जो हैप्पीनेस इज़ अ शेफ कंसर्न ऑफ ह्यूमन लाइफ। वेल, बहुत से ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट ने इसी पे काम किया था कि उन्होंने ह्यूमन हैप्पीनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा था और बाकी सारी चीज़ों को सेकेंड प्रायोरिटी रखा था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।